मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल की हो गई बेइज्जती। नरेंद्र मोदी को घेरना, राहुल गांधी को आखिर क्यों पड़ा भारी। लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच राहुल गांधी के निशाने पर हर वक्त पीएम मोदी ही रहते हैं, मगर सियासत के शोर में शायद वो भूल जाते हैं कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। कई बार राहुल गांधी शायद उत्साह और अति उत्साह की उस बारीक लकीर को भूल जाते हैं जिससे उनकी फजीहत हो जाती है। अब एक बार फिर एक गलती के चलते उनकी बेइज्जती हो गई। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की और लिखा, अंग्रेजी शब्दकोश में नया शब्द शामिल हुआ है, इससे जुड़ा स्नैपशॉट शेयर कर रहा हूँ। इस तस्वीर में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की वेबसाइट की तर्ज पर एक वेबसाइट का पेज दिख रहा है जिसमें एक शब्द मोदी लाई का जिक्र है। तस्वीर के मुताबिक इस शब्द को शब्दकोश में शामिल किया गया है। राहुल गांधी की शेयर की गई इस इमेज में इस शब्द को नाउन यानी संज्ञा बताया गया है और इसके तीन अर्थ दिए गए हैं। तस्वीर के हिसाब से इस शब्द का अर्थ सच को लगातार बदलते रहना, आदतन लगातार झूठ बोलना और बिना सोचे समझे झूठ बोलना है। राहुल ने जैसे ही स्नैपशॉट को शेयर किया, लोगों ने इसे लाइक और रीट्वीट करना शुरू कर दिया। हजारों की तादाद में इस पर कमेंट भी आए, लेकिन इन्हीं कमेंट्स में से एक कमेंट ऐसा था जिसने इस पोस्ट की पोल खोल कर रख दी और ये कमेंट था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल का। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपने ट्वीट में लिखा, हम इसे प्रमाणित करते हैं कि तस्वीर में दिखाए गए शब्द मोदी लाई की एंट्री फर्जी है और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज की किसी भी डिक्शनरी में ये शब्द मौजूद नहीं है। हालांकि फजीहत होने के बाद राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मोदी लाई एक नया शब्द है और ये दुनिया भर में मशहूर हो गया है। अब एक वेबसाइट भी आ गई है जिसमें सबसे अच्छे मोदी लाई की लिस्ट है। इस वेबसाइट को खोलने पर देखा जाता है कि पीएम मोदी के बयान के आगे लाई लिखा है, साथ ही इसमें अलग अलग मीडिया समूह को दिए गए इंटरव्यू में उनके बयान को दिखाया गया है और उसके आगे ही लाई लिखा हुआ है। हाल ही में राफेल से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो मामले में लंबित सभी पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। राहुल ने इस फैसले से उत्साहित होकर ये कह दिया कि अब तो कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है, लेकिन राहुल का ऐसा कहना उन पर ही भारी पड़ गया और इसके लिए उन्हें कोर्ट से बकायदा माफी मांगनी पड़ी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।